आई थिंक जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है इट्स बीन सो मच फन एंड आपको तो पता ही है बोथ द निगम ब्रदर्स आर इन द वीडियो एंड हमें ऐसा हमेशा से लगता था दैट वी रियली वॉन्ट टू डू लाइक अ कॉलेज सॉन्ग बिकॉज आई थिंक हमारे जितने भी फैंस और फॉलोअर्स हैं वो सब कॉलेज ही जाते हैं एंड यू नो वी वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी यंग समथिंग फन एंड गाने का नाम ऑब्वियसली मजनू है द एंटायर शूटिंग वॉज सो मच फन एंड यू नो टीज़र अभी आया है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह से बहुत लोग एक्साइटेड हैं गाना बहुत ही मज़ेदार है आई थिंक यू नो बहुत टाइम से हमने कंपोज करके रखा हुआ है गाना बट फाइनली इट्स कमिंग एंड अभी तक हम सुनते हैं बहुत मज़ा आता है सुन के द रिस्पॉन्स हैज़ बिन ग्रेट जिसको भी हमने गाना अभी तक प्ले किया है एवरी वन हैज़ लव्ड इट सो कांट वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस एंड योर रिस्पॉन्स ऑल्सो आई थिंक 30th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर अस सो फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्लीज़ टेल अस एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक द सॉन्ग ऑसम है ही हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा संगीत को तो आप दोनों में से ऐसे मजनू कौन है कि लाइक ऐसे मस्त हम तो लैला है हम कैसे मजनू हो सकते हैं मूड में ऐसे कौन रहता है हमेशा आई नो आप नहीं आई थिंक हम दोनों ही बहुत ही बड़े होपलेसली वाले रोमांटिक हैं सो वी बिलीव इन फुल पावर ट्रू लव एंड वो सब हमारी दिमाग में हमारे लिए कोई करण जौहर वाली मूवी चल रही है तो हम ऐसे ही मूड में रहते हैं इसलिए आई थॉट कि हम एक्चुअली सोच रहे थे कि कितने सारे लोगों ने कितने सारे गाने बनाए हैं लैला के ऊपर यू नो रानी के ऊपर ऑलवेज कॉलिंग लेडीज थिंग्स बट मतलब लड़कियों ने तो किसी को मजनू अभी तक बोला नहीं है सब लड़कियाँ एक्चुअली ज़्यादा गानों में बोलती नहीं है सिर्फ शायद बोलती हैं पर लिरिक्स में यू नो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है कभी कभी एंड एक्चुअली ये जो गाने की लिरिक्स है वैसा कुछ हमारी लाइफ में एक साथ कुछ पहले अच्छा? हो रहा था तो वी वो जस्ट लाइक यू नो ये जो फीलिंग है इसको गाने में डालने की कोशिश करते हैं एंड आई थिंक बिकॉज वो फीलिंग हम दोनों की एक साथ थी वी सैट टुगेदर वी वो जस्ट लाइक इसको हम यू नो उसका गाना बना सकते हैं बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो कनेक्ट करेंगी बहुत सारी सबकी लड़कियों में एक ना एक या दो तीन मजनू तो होते हैं ये करेक्ट आई थिंक लड़कियां ऑलरेडी कनेक्ट कर रही हैं आई थिंक यू नो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ गर्ल एंथम एंड या जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप द गर्ल्स लव इट मोर देन द बॉयज सो पहले जैसा कि बताया हमारा पहले भी बहुत कुछ हो रहा था तो जरा कुछ जैसे प्रकृति अंशु की अभी प्रकृति ने बताया तो प्रकृति बताएंगी नहीं ऐसा जैसे अभी मैं बता नहीं सकती ज़्यादा क्योंकि अच्छा। फिर पूरी गाने की स्टोरी बाहर निकल जाएगी बट जब आप गाना सुनोगे या आप जब लिरिक्स सुनोगे तो वो जो भी हो रहा है गाने में वो ऑलरेडी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था सो वी जस्ट थॉट दैट मज़ा आएगा कि अगर ये हम गाने में डालने की कोशिश करेंगे एंड बहुत ही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने कहा लड़कियाँ कनेक्ट कर पाएंगी एंड लड़के भी कनेक्ट कर पाएंगे एंड या आई होप पीपल से दिस टू मी क्योंकि यही सोच के हमने गाना बनाया बिल्कुल दो लैला तो यहाँ पर है मजनू अभी यहाँ हमारे पास नहीं है बट टीजर में हमें देखा तो बताइए कि जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद मजनू के साथ वो अमेजिंग आई थिंक हमेशा हर म्यूजिक वीडियो में यू नो वी ट्राई एंड फाइंड पीपल हु रियली यू नो फिट द सॉन्ग एंड जैसे कि यू नो वी आर सेइंग दिस वाज सपोज टू बी अ कॉलेज सॉन्ग आई थिंक दे फिट दैट ब्रीफ सो वेल एंड बोथ आर सो हार्ड वर्किंग एंड सो अमेजिंग आई थिंक जब से हमने डांस रिहर्सल शुरू की थी वी जस्ट दे आर सो एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग दैट गेट्स अस ऑल्सो वेरी एक्साइटेड सो उनका मतलब यू नो जो भी आपके साथ स्टार कर रहा है वीडियो में उनका एंथुजियाज्म आपके एंथुजियाज्म से मैच करना चाहिए बहुत मैटर भी करता है क्योंकि यू नो जैसे हम दो हैं सिंगर्स हम यू नो वेर अ सिस्टर डुओ ऐसे बहुत सारे सिंगर्स लाइक डुओज नहीं है इंडिया में तो हम जो ट्राई करने की कोशिश करते हैं वी ऑलवेज ट्राई टू कास्ट टू बॉयज़ ऑल्सो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है इंडिया में यू नो लाइक इन अदर वीडियोस आल्सो देयर ऑलवेज बीन टू बॉयज़ बट दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो एवर जहाँ पे देयर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सो आई थिंक उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है बिकॉज सिबलिंग्स टुगेदर कभी एक साथ एक वीडियो में आई नहीं है एंड हमारी जितने भी फैंस हैं वो भी एक साथ हैं यू नो लॉट ऑफ पीपल कॉल अस सुप्राटिक्स जो हम दोनों का नाम एक साथ है एंड आई थिंक दे ऑल्सो कॉल सिद्धार्थ एंड अभिषेक सिड शेख विच इज़ रियली कूल सो यू नो इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक सुप्रा एंड सिड शेख फैंस टुगेदर सो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग पहली बार आई थिंक ब्रदर्स एक साथ आए हैं वीडियो में तो एंड कमिंग टू सिद्धार्थ एंड अभिषेक आई थिंक दे आर सो हार्ड वर्किंग एंड उनसे एक्चुअली बहुत सीखने को भी मिला है क्योंकि हम एक्टर्स नहीं हैं ज़्यादा बट वो इतनी अमेजिंग एक्टिंग करते हैं तो जो हम सिर्फ म्यूजिक वीडियो में एक्ट कर सकते हैं अभी के लिए सो दैट्स ऑल वी आर डूइंग सो अब जो मैंने
जितना भी मैंने टीजर देखा, ब्यूटीफुल लोकेशन मुझे देखने को मिल रहा था। थोड़ा बहुत आप लोग बताइए कि लोकेशन का क्या कुछ था, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने? एक्चुअली जब हम लोकेशन ढूंढ रहे थे, वी वॉन्टेड ऑब्वियसली अ कॉलेज सेटअप। यू नो आई थिंक द एंटायर ब्रीफ वॉज समथिंग कि कुछ रिलेटेबल होना चाहिए, बट ऑब्वियसली कॉलेज होना चाहिए। सो वी इन फैक्ट वेंट टू चंडीगढ़, एंड क्योंकि लॉकडाउन था, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी थी, सो वी फाउंड दिस वंडरफुल प्रॉपर्टी इन चंडीगढ़। एक्चुअली स्कूल है वो, बट हमने कॉलेज बना दिया गाने में। एंड आई थिंक जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो यू नो देयर इज लाइब्रेरी शॉर्ट्स, देयर इज क्लासरूम शॉर्ट्स। तो फॉर अस ऑल्सो इट वॉज लाइक बैक टू स्कूल, हाउ मच वी मिस्ड इट। मतलब यू नो इवन वी हैव गॉट द ब्लैक बोर्ड्स एंड द बैक फील्ड एंड The campus, I think that full campus and life. गाड़ी भी, मतलब हमने कॉलेज में खुद कभी गाड़ी नहीं चलाई है, अभी तक नहीं चलाई है, बट इस वीडियो में सुकृति ऑल्सो ड्राइविंग द कार, सो इट्स आई थिंक ऑल द क्रेडिट ऑल्सो गोज टू आर फैबुलस डायरेक्टर स्नेहा शेट्टी, जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग आर्ट सेटअप एंड डायरेक्शन की है वीडियो में जो आप देखेंगे। सो आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अ टीम एफर्ट, बट बहुत मजा आया। सो क्या हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में ऐसे आप लोगों के ढेरों सारे ऐसे म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेंगे? आई थिंक लास्ट फोर इयर्स बोल रही हूँ, बट हमारे जितने भी म्यूजिक वीडियोस आए, आई थिंक दो साल में जितने भी यू नो हमने करने की कोशिश की है, बट नाउ 4 months टू द एंड ऑफ द ईयर, सो आई थिंक जैसे यू नो सुकृति ने कहा कि लॉकडाउन में ऐसे बहुत सारे गाने बन चुके हैं, ऐसे बहुत सारे गाने रेडी हैं, बट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वी कुड नॉट शूट इट, बट लास्ट 4 months ऑफ द ईयर लेफ्ट, सो बहुत सारा नया म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, एंड देयर विल डेफिनेटली बी आई थिंक वन मोर सॉन्ग, आई थिंक वन और टू मोर सॉन्ग्स एंड देन गाने रेडी हैं, बस शूट करना बाकी है, सो वील डेफिनेटली डू दैट। किस जॉनर का होगा, लाइक ऐसे रोमांटिक होगा? या नेक्स्ट वाला थोड़ा रोमांटिक। सिस्टर तो हमेशा साथ में रहने वाली है दोनों? नहीं एक्चुअली आई थिंक जब भी कोई डांस सॉन्ग होता है वी कम टुगेदर, बिकॉज आई फील लाइक हम दोनों साथ में करते तो और मज़ा आता है, बट ऑफ कोर्स आई थिंक दिस ईयर वी हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग कोलैबोरेशंस डिसाइडेड, सो आई विल डू सम सेपरेट स्टफ, जो डुएट्स होते हैं, एंड प्रकृति विल डू हर्स, देन फॉर द डांस सॉन्ग वी विल कम बैक अगेन, एक साथ हम फिर से कोलैबोरेट करेंगे बिफोर द ईयर एंड्स, बट बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक पाइपलाइन में है फॉर श्योर, बट राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट मजनू एंड इट विल बी अबाउट मजनू फॉर सम टाइम। ठीक है फैंस, हमने पहले से ही बातें की थी, एक दो वीक पहले ही बातें की थी, फैंस को पता चल गया था कुछ ऐसे गाना आपकी वजह से, तो जरा सा कुछ बताना चाहेंगे फैंस को, कुछ कहना चाहेंगे आप कि जो कितना अभी बहुत ही प्यार दे रहे हैं, ये गाने का बहुत ही वेट कर रहे हैं 33। Yeah, I think they are literally the reason we are also, I mean obviously हम बहुत excited हैं, but उनकी excitement तो मतलब कुछ और ही है, so you know I think everybody wanted to know the name of the song, आपके साथ हमने जब last interview किया था everybody came to know the name of the song, I think poster and reveal से पहले अगर जब गाने का नाम हर जगह होता है then you know the excitement is real, so I think fans they all made their own posters also before the poster came out with Majnu written, there were so many posters of four of us together, बट आई थिंक फैंस की एक्साइटमेंट से हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती है, एंड आई थिंक इस गाने में वो प्रूव हो रहा है, एंड जस्ट सुपर सुपर लकी, एंड जस्ट वॉन्ट टू टेल यू नो एवरीबडी हुज़ ट्यून्ड इन, जो भी सपोर्ट कर रहा है इस गाने को, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड दिस सपोर्ट मीन्स अ वर्ल्ड टू अस, क्योंकि हम खुद का म्यूज़िक यू नो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस ईयर इज़ डेडिकेटेड टू दैट, सो स्टे ट्यून्ड, एंड आई थिंक बेसिकली जस्ट हैव फन, आई थिंक इट्स 3 minutes, दैट्स वॉट म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट, एंड इट्स अ डांस सॉन्ग, बहुत ही मज़ेदार गाना है, सो just forget about everything and hear the song for 3 minutes and have fun. And yeah, play it to your friends. And जो perform करने वाले आप लोग 30th को उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा. Actually 30th को हमारा गाना release तो हो ही रहा है, but also for the first time we will be singing it live to an audience, and I think पहली बार सब लोग एक साथ सुनेंगे, and we're breaking the song at Miss Diva, so we will see you there. एंड हम कुछ और भी अपने गाने एक साथ गाएंगे, इनफैक्ट हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद डुआ लिपा लेविटेटिंग का जो इंडियन रीमिक्स है वो भी पहली बार हम परफॉर्म करेंगे, सो इट्स गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग डे। कुछ एक दो प्रोजेक्ट का नाम आप लोग और ले सकते हैं प्रमोशन के लिए, फिर आपके फैन और क्रेजी हो जाते हैं, आई थिंक या अभी तो नेक्स्ट वाला रिलीज भी नहीं हुआ है, सो आई थिंक वील वेट अंटिल द 30th, जब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आपको 2-3 हिंट दे ही देंगे, क्योंकि यू नो दे देंगे, इट्स ओके इट्स गुड, क्योंकि मेंटली हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, बट
जल्दी जल्दी सब कुछ रिलीज होगा. जाते थे कुछ लाइनें अगर आप लोग सुना सके. For sure. Same keep it. हाँ हाँ check the keyboard. Just check it. But full processing or just no, the okay, I think Majnu for the first time. ये प्यार व्यार की बातें अब लगती हैं बेकार, समझाओ कितने बार, क्यों तू मजनू बन के घूम रहा है पीछे पीछे यार, मेरा मजनू बन के घूम रहा है पीछे पीछे यार, क्यों तू मजनू ओ ओ ओ पीछे पीछे यार, क्यों मेरा मजनू ओ ओ समझाओ कितने बार. Thank you.